चंडीगढ़ को लेकर एक तरफ पंजाब हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ पर हक जताने की बात कही जाती रही है, लेकिन अब हिमाचल की तरफ से भी चंडीगढ़ पर अपने हक को लेकर आवाज उठाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि बिना किसी आंदोलन विरोध के कानूनी रूप से हक जताएंगे, वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सख्त फैसले लेकर सरकार चलाने की बात करते नजर आए। जयराम ठाकुर ने बताया कि समय के साथ बदलते हुए हिमाचल में एक प्रचलन बन गया था कि हर अधिकारी एक्सटेंशन पर रहता था, जिस पर निर्णय लेते पहले कैबिनेट में हमने इसे रद्द किया। हमने पहले निश्चित किया था कि रिटायर लोगों की सरकार नहीं होगी और हमारे 23 विधायक नए युवा चुनकर आए। अब की बार हिमाचल प्रदेश में हमने जब बजट पेश किया, एक साथ 30 योजनाएं, 30 योजनाएं नए बजट प्रोविजन के साथ, नए नाम के साथ हमने शुरुआत की है। यानी कि हट करके, लीक से हट करके छोटे छोटे काम भी उसमें शामिल किए, लेकिन उसके बावजूद एक नई दिशा हिमाचल प्रदेश को देने की कोशिश की है। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की खुशी है कि हम काफी हद तक जो है वो जो नई योजना है उनकी सब जगह हिमाचल प्रदेश में चर्चा हुई और मीडिया जगत में भी बहुत अच्छा उस पर जो है उसमें प्रतिक्रिया रही है। उसके लिए मैं मीडिया जगत का भी धन्यवाद हूँ। वही एक इश्यू, इस पर मुझे लगता है काफी हमारी बात हो गई कि अब झगड़े वाली बात नहीं है। हम कानूनी तौर पर जो हमारा अधिकार जो घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने हमको कहा है, हमने उनके समक्ष बात की है। बात करने के बाद बीच में ये मसले जो है थोड़े देर के लिए थोड़े ढीले पड़े थे, सुस्त पड़े थे। अब हम दोबारा से एक्सपर्टाइज कर रहे हैं कि हमारा अधिकार जो बनता है, जो कानूनी तौर पर बनता है, उसके मुताबिक हमको आप देने की जो है वो ये आप उसमें सहयोग करो, मदद करो, इतना हम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में और उसको एक्सपर्टाइज करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चंडीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 20 वर्षों से भवन 20 बजट देखे हैं, लेकिन आज से पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज से पहले के बजटों पर एक दो योजनाएं होती थी, लेकिन हमने 30 के करीब योजनाएं A1 की, जिसमें छोटे बड़े काम शामिल हैं। एक नई जिम्मेवारी के बाद चंडीगढ़ 2-3 बार आना हुआ, लेकिन आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे मन में था कि आप लोगों से मिलने का कोई हम अवसर ढूंढें। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला है। मैं प्रेस क्लब के जो नई टीम बनी है इनको बधाई देता हूँ, रावत जी को भी, राणा जी को भी, उनके साथ सारी टीम को भी बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि पहला अवसर है नई जिम्मेवारी के बाद, और मेरे लिए भी पहला अवसर है नई जिम्मेवारी के बाद आप लोग से मिलने का। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है और मुझे इस बात की खुशी है 100 दिन का ये कार्यकाल बहुत सफलतापूर्वक हमने पूरा किया है। 100 दिन का ये कार्यकाल काम करते करते पूरा किया है। ट्राई सिटी के अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।